सो हे गाइस, दिस इज योर बॉय अमन दत्रवाल और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रिपल आईटी बैंगलोर के बारे में। इस वीडियो में हम बात करेंगे इसके करंट प्लेसमेंट स्टार्ट से लेके इसके कैंटीन के खाने तक, इसकी स्पोर्ट्स फैसिलिटी से लेके इसके कल्चरल फेस्ट तक, आपके सीनियर्स कैसे हैं, इसके टेक्निकल फेस्ट कैसे होते हैं, यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे यार। और इस वीडियो को बनाने में ट्रिपल आईटी बैंगलोर के काफ़ी स्टूडेंट्स ने हेल्प भी करी यार, उन्होंने डिटेल रिपोर्ट मेरे को सेंड करी थी, साथ में जो करंट पिक्चर्स हैं वहाँ की वो भी उन्होंने मेरे को सेंड किए हैं यार, तो वो मैं आपको भी साथ में डिस्प्ले कर दूंगा। और अगर कोई और कॉलेज के बच्चे भी हैं यार जो चाहते हैं कि उनके कॉलेज के ऊपर भी ऐसे वीडियोस बने, तो आप मुझे मेल कर सकते हो मेरी ईमेल आईडी पे। यार थोड़ा डिटेल्स के बारे में बात करते हैं, तो सबसे पहले तो यार ट्रिपल आईटी बैंगलोर के बच्चों को थैंक यू बोल देते हैं जिन्होंने हेल्प करी हमें लेजिटिमेट डिटेल्स प्रोवाइड कराने में। सबसे करंट एक्यूरेट 2018-19 की हम बात कर रहे हैं अभी, तो ये कुछ ऐसे यार। सबसे पहले हम थोड़े कॉन्स की बात करेंगे कि इसमें कमियां क्या क्या है, और धीरे धीरे जैसे जैसे वीडियो प्रोग्रेस करेगा हम इसके पॉजिटिव इसके प्रोस के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ है यार कैंपस साइज़। कैंपस साइज़ इस कॉलेज का बहुत छोटा है, 10 एकड़ वो होता है लगभग 4-5 फुटबॉल ग्राउंड को आप जोड़ दो तो 10 एकड़ बनता है, तो बहुत छोटा है यार। और इसके पीछे 2-3 रीज़न है। सबसे पहला तो यार जो ट्रिपल आई टीज़ होते हैं, स्पेशली ट्रिपल आई टी बैंगलोर की अगर हम बात करें, तो ये 1999 में बना था और इसका मेन फोकस था मास्टर्स पर, ये बी टेक एनवायरमेंट के लिए बना ही नहीं था, इसको बनाया ही नहीं गया था। तो उस वजह से एक तो इसका कैंपस साइज भी छोटा है, साथ में इसमें बी टेक का कल्चर भी थोड़ा कम है, मतलब वो कल्चरल फेस्ट वगैरह वाली वाइब्स जो हैं वो इस कॉलेज में कम होने वाली हैं या कम मिलेंगी आपको अगर आप जाते हो तो। और साथ में इसका यार बैच भी बहुत छोटे हैं, 2017 में सिर्फ 60 स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया था, ऐसा नहीं कि सिर्फ 60 स्टूडेंट आए थे, 60 सीट थी बस, ठीक है। 2018 में इन्होंने अपनी स्ट्रेंथ डबल कर दी थी, तो 120 स्टूडेंट्स ने इंटीग्रेटेड बीटेक में एडमिशन लिया था, ड्यूअल डिग्री जो है इनका। तो इसमें यार अभी टोटल इनके 600 से 800 बच्चे हैं यार कैंपस में, जिनमें आप सारे बच्चे मिला दो, इंटीग्रेटेड एमटेक एमटेक पीएचडी एमएससी एक्सचेंज स्टूडेंट सारे मिला के भी ये 600-800 बच्चे ही हैं। पर उसके बावजूद भी यार इतने सारे बच्चों के लिए भी 10 एकड़ थोड़ा सा कम है, पर इन्होंने इस छोटे से एरिया को भी बहुत अच्छे से मैनेज किया यार। और यहाँ पे एक छोटा सा अपडेट दे देता हूँ यार, ट्रिपल आईटी बैंगलोर के आपको और भी काफ़ी सारे वीडियोस मिल सकते हैं यूट्यूब पे, पर प्लीज़ उनके नीचे देखना कि वो पब्लिश कब हुए थे, क्योंकि 8 से 9 साल पुराना वाला ट्रिपल आईटी बैंगलोर में कुछ भी इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं थी, अब काफ़ी सारी चीज़ें अपडेट हो गई हैं और मैं आपको फोटोज़ में वो सारी चीज़ें दिखाऊँगा अभी। ओके, अगर जिन बच्चों को यार वैसे कैंपस साइज़ का नहीं पता, तो एक नॉर्मल गवर्नमेंट कॉलेज हमारा 150 से 400 एकड़ के बीच में होता है, और अगर हम कुछ आईआईटीज़ की बात करें तो यार फिर कुछ आईआईटीज़ 2000 एकड़ से भी ज़्यादा होती हैं, 2000 एकड़ से भी बड़ा कैंपस होता है, वो एक फील होती है यार इंजीनियरिंग कॉलेज की स्पेशल चीज़ होती है, ठीक है। अब थोड़ी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ की बात करते हैं यार, तो यहाँ पे 2 वॉलीबॉल के कोर्ट हैं, जिनमें से एक वॉलीबॉल कोर्ट तो आपका नॉर्मल सैंड पे है, और जो दूसरा वॉलीबॉल कोर्ट है वो सिंथेटिक है, और वो सेम कोर्ट आपका टेनिस के लिए भी यूज़ होता है, ठीक है। मतलब वो सिंगल कोर्ट है और उसके अंदर अलग अलग लाइनिंग है, वाइट लाइनिंग आपकी टेनिस के लिए और ग्रीन लाइनिंग है आपकी वॉलीबॉल के लिए, इस तरह से उन्होंने कुछ सिस्टम बना रखा है, पर प्रॉपर अच्छा है, मैं आपको फ़ोटो भी दिखा देता हूँ। एक इनका बास्केटबॉल कोर्ट है यार, वो भी सिंथेटिक है, ठीक है। और अगर हम इनके जिम की बात करें, तो इनके पुराने जिम जो थे हॉस्टल वगैरह में वो काफ़ी ख़राब थे, पर इनके जो अब नए जिम हैं उनमें जो इक्विपमेंट्स हैं वो काफ़ी अच्छे हैं यार, ठीक है, आपको निराशा नहीं होगी। इनके मेंस हॉस्टल में भी एक जिम है और इनके वुमेंस हॉस्टल में भी एक जिम है, आपको इंस्ट्रक्टर भी मिलता है जो कि 6 घंटे आता है, जिसकी जनरली कोई बच्चे ज़्यादा हेल्प लेते नहीं, ठीक है। इनके 4 टेबल टेनिस है यार मेंस हॉस्टल में भी और वुमेंस हॉस्टल में भी, और जो मेंस हॉस्टल है यार उसमें आगे कुछ इनका हॉस्टल्स के आगे शायद इनका कुछ वो है जहाँ पे लड़कियाँ भी आ सकती हैं, ठीक है। तो मतलब ये कि जो इनके बॉयज़ हॉस्टल में टेबल टेनिस कोर्ट है वहाँ पे लड़कियाँ भी खेल सकती हैं, वो आगे कुछ कॉमन हॉल टाइप इस तरह का बताया वहाँ के बच्चों ने, वैसे लड़कियाँ बॉयज़ हॉस्टल में आना अलाउड नहीं है, तो कोई पेरेंट देख रहा है तो डरो मत, मेरा बच्चा बिगड़ जाएगा। उसके बाद 2 इनडोर बैडमिंटन कोर्ट्स भी हैं यार, 3 आउटडोर कोर्ट्स भी हैं। ओके, कोई स्विमिंग पूल नहीं है यार वहाँ पे, क्योंकि बोला जा रहा है कि बैंगलोर एक ड्राई स्टेट है, वैसे तो ड्राई स्टेट का कुछ और मतलब होता है, पर ड्राई स्टेट यहाँ पे पानी की बात कर रहा होगा। एक मिनी फुटबॉल कम क्रिकेट ग्राउंड भी है यार, ठीक है, तो मतलब क्रिकेट और फुट मतलब स्पेस का डबल यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। टेनिस कोर्ट में ये वॉलीबॉल भी खेलते हैं और ये फुटबॉल कोर्ट में क्रिकेट भी खेलते हैं, तो इंडियन फीलिंग आएगी आपको प्रॉपर, जुगाड़ हो। एक इनका यार 1 किलोमीटर भागने का एरिया भी है, बेसिकली रोड है जिसपे आप भाग सकते हो, तो कोई बच्चा सुबह सुबह भागना चाहता है भाग लो। 4 कैरम टेबल्स भी हैं। अगर हम नंबर ऑफ हॉस्टल वैकेंसीज की बात करें तो यार हॉस्टल कंपलसरी है सबके लिए, तो टेंशन लेने की बात नहीं है, सबको ही मिल जाएगा, आखिर हैं कितने बच्चे, नहीं हैं तो सबको मिल जाएगा।
और शेयरिंग की बात करें तो जो बॉयज़ हैं यार, उनको शुरुआत के 2 साल में शेयरिंग रूम मिलता है, मतलब जहाँ पे वो 2 बच्चे एक साथ रहते हैं, और थर्ड ईयर से उनको सिंगल रूम मिल जाते हैं। थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ ईयर के लिए उन्हें सिंगल रूम मिल जाते हैं। अब आप में से कुछ बच्चे बोलेंगे, भैया फिफ्थ ईयर, बीटेक तो 4 साल की होती है। एक चीज़ मैं बताना भूल गया जो वीडियो के शुरुआत में बतानी चाहिए थी, कि यार ये आपको बीटेक का कोर्स प्रोवाइड नहीं करा रहे, ठीक है, ये आपको ड्यूल डिग्री का कोर्स प्रोवाइड करा रहे हैं। ड्यूल डिग्री ये क्या होती है, यहाँ पे आपको बीटेक के साथ 1 साल का एमटेक का कोर्स भी मिलेगा। तो जब आप कॉलेज से निकलोगे, आपके पास बीटेक और एमटेक दोनों की डिग्री होगी। सिंगल बीटेक का कोर्स इस कॉलेज में नहीं है, ठीक है यार। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो पहले बतानी चाहिए थी, ठीक है यार, ओके। और इसमें एडमिशन कैसे मिलता है, जेई मेन से मिलता है, वो मैं आगे बता दूंगा। सिर्फ एक ही मीडियम है, IIIT हैदराबाद की तरह इसमें घुसने के 4-5 तरीके नहीं है, उसका मैंने वीडियो बनाया था यार, हालत ख़राब हो गई थी। 5 तरीकों से घुस सकते हो आप उसमें, अलग अलग वेज थे। इसमें सिर्फ जेई मेन्स है ड्यूल डिग्री के लिए, ठीक है, बीटेक। अगर हम इसके लेटेस्ट प्लेसमेंट्स रिपोर्ट्स के बारे में बात करें, ये लेटेस्ट है यार, मतलब इस साल जो प्लेसमेंट्स चल रही है वहाँ से निकाला है, ठीक है, उनके जो TNP है, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल, उन्होंने ये प्रोवाइड कराया। तो इनका जो एवरेज प्लेसमेंट है यार इंटीग्रेटेड एमटेक के लिए, मतलब ड्यूल डिग्री के लिए, वो है 17.29 लाख, ठीक है, ये काफ़ी अच्छा है, ठीक है, अच्छा है, बहुत अच्छा है, सबसे अच्छा नहीं है पर काफ़ी अच्छा है। अगर हम एमटेक के बारे में बात करें तो लगभग आपका 13.4 लाख है, ये आपका एवरेज पैकेजेस है। फर्स्ट पैकेज की अगर हम बात करें यार, तो आपका 7 लाख पर एनम गया, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, और हाइएस्ट पैकेज 28 लाख पर एनम गया है आपके एमटेक के बच्चों के लिए। अगर हम इंटीग्रेटेड एमटेक, मतलब आपके ड्यूल डिग्री वाले बच्चों की बात करें, तो आपका लोएस्ट पैकेज गया यार 8 लाख पर एनम, मतलब अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो भाई 8 लाख तो आप रुपये लेके जाओगे ही जाओगे, डैट इज़ अ गुड थिंग। और अगर हम मैक्स की बात करें तो आपका 30 लाख पर एनम का पैकेज गया है, गुड। ये सारे के सारे यार डोमेस्टिक ऑफर्स थे, मतलब डोमेस्टिक ऑफर्स मतलब वो कंपनी जो आपको इंडिया में ही काम करवाती है नौकरी के बाद। अब हम कुछ इंटरनेशनल ऑफर्स के बारे में बात करते हैं। एक बच्चा था यार जिसे गूगल में प्लेसमेंट मिली, वो बाहर गया है और उसको मिला $200,000 की प्लेसमेंट, और ये न्यूज़पेपर में भी आया था, उस टाइम के हिसाब से लगभग 1.2 करोड़ रुपीज़ का प्लेसमेंट है, ठीक है यार, तो बड़ा है। अब हम सीट मैट्रिक्स के बारे में बात करें यार, तो टोटल 120 की स्ट्रेंथ है यार इस कॉलेज में, आज के दिन 2018 में 90 सीट्स फॉर CSE एंड 30 सीट्स फॉर ECE, ठीक है, इसमें कुछ क्या समझाऊँ, सिंपल था। कोर्सेज क्या ऑफर होते हैं, इंटीग्रेटेड एमटेक, बीटेक प्लस एमटेक, 5 साल का कोर्स होता है आपका, स्टूडेंट को दोनों डिग्री मिलती है, बीटेक और एमटेक की, दोनों की, गुड। बाकी से आपका भी कोई मतलब है नहीं, सारे 12वीं के बच्चे देख रहे हैं इस वीडियो को। अगर हम क्वालिटी ऑफ फैकल्टी की बात करें यार, तो नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट लेवल। जब हम IIITs की बात करें यार, सारी IIIT सेम नहीं होती यार, IIIT हैदराबाद, IIIT दिल्ली, ये दोनों अलग हैं, ठीक है, ये अलग हैं, ये सेम ही ऑर्गेनाइजेशन की ब्रांचेज नहीं है। पर आप कोई भी IIITs ले लो यार, अलाहाबाद, बैंगलोर, हैदराबाद या दिल्ली, इन सब में एक चीज़ सबसे अच्छी होती है और वो है इनकी फैकल्टीज़। इनकी फैकल्टीज़ नेक्स्ट लेवल होती है, मैं आपको खोल के भी दिखा देता हूँ, फैकल्टीज़ को आप देख लो, सब ने PhD कर रखी है, सब ने PhD कर रखी है, और IIT से छोटी किसी भी जगह से नहीं करी है, ठीक है। आप इनको देखोगे तो यार इन्होंने करी है ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी से, इन्होंने करी है PhD अपनी IIT गुवाहाटी से, इन्होंने अपनी PhD करी है यूनिवर्सिटी ऑफ बेरत से, इन्होंने अपनी PhD करी है यूनिवर्सिटी ऑफ लोवा से, इन्होंने अपनी PhD करी है ब्रांचबर्ग टेक्निकल यूनिवर्सिटी एट कॉटबस, इन्होंने अपनी PhD करी है यूनिवर्सिटी ऑफ लग्जमबर्ग, यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू, वाटरलू इज़ वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ ऑफ कैनेडा, ठीक है, इन्होंने अपनी PhD करी है IIT बॉम्बे से, यू गेट द पॉइंट, ठीक है। ये सारे के सारे प्रोफेसर्स बहुत अच्छे हैं, और ये एक चीज़ है यार जो आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस में नहीं मिलती, चाहे आप NITs की बात करो, चाहे आप NSIT DTU की बात करो, ऐसा नहीं है कि अच्छे कॉलेजेस नहीं है या डेडिकेटेड टीचर्स नहीं है, पर सारे उतने अच्छे नहीं हैं, ठीक है यार, पॉइंट समझ रहे हो आप, पॉइंट समझ रहे हो, ये वाली बात तो बिल्कुल भी नहीं है। तो इनफैक्ट अगर हम IITs से भी कंपेयर करें तो IITs में बहुत अच्छे प्रोफेसर्स होते हैं, पर ये उस चीज़ को थोड़ा और ऊपर ले जाते हैं, शेर का सवा शेर बोलते हैं ना जैसे, तो कुछ वैसी चीज़ है। इन्होंने बताया यार इनका मेस का खाना काफ़ी अच्छा है, और कंपेयर टू इन्होंने जो बाकी बच्चों के कॉलेजेस से सुने हैं, अपने दोस्तों से सुने हैं, इनका खाना काफ़ी अच्छा है। शुरुआत में यार इनके पास सिर्फ प्योर वेजिटेरियन था, पर कुछ साल पहले यार अब इन्होंने एग्स भी इंट्रोड्यूस कर दिया नॉन वेजिटेरियंस के लिए। साथ में यार अगर कोई बच्चा जैन वगैरह है तो जैन फूड उनके लिए सेपरेटली बनाया जाता है बिना कोई एक्स्ट्रा चार्ज लिए, तो डैट्स अ गुड थिंग। और साथ में यार अगर कोई साउथ इंडियन का बच्चा है तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, नॉर्थ इंडियन और साउथ इंडियन के लिए भी इनके पास सेपरेट चीज़ें हैं।
The food is better as compared to my friends' colleges as described by them in IIT Madras, Bombay and Guwahati. So, अच्छी बात है. The food is edible at all times. तो ये यार आपका मेस का मेन्यू है, इसको हम थोड़ा खोल के देखते हैं. इसमें यार आपको दिन में सिर्फ 3 मील दिए जाते हैं. ये चीज़ मेरे को थोड़ी सी खराब लगी क्योंकि जनरली हॉस्टल्स में 4 मील दिए जाते हैं, एक स्नैक्स भी होता है. यहाँ पे सिर्फ ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर है, स्नैक्स नहीं है. चलो फिर भी थोड़ा इनका मेन्यू अगर हम एक दिन का खोल के देखें तो लंच में आपको मिलेगा लेमन सेमिया, आलू भोंडा, कोकोनट चटनी, मिंट चटनी, ब्रेड बटर जैम, टी, कॉफ़ी एंड मिल्क. ठीक है, तो वैरायटी ठीक है, काफ़ी अच्छी है. अगर हम लंच की बात करें तो आपको मिलता है गुलाब जामुन. गुलाब जामुन लंच में कौन देता है, मतलब अच्छी चीज़ें देते हैं तो हमारे कॉलेज में नहीं होता था. चपाती, वेज कोफ्ता विद टोमेटो कड़ी, फ्रेंच फ्राइज विद केचप, पुली योगरे राइस, प्लेन राइस, येलो दाल तड़का, ब्लैक चना सांबर, कर्ड, ग्रीन सैलड, पापड़, पिकल, सुगर, सॉल्ट, सौंफ. पापड़, पिकल, सुगर, सॉल्ट, सौंफ, ये अच्छी चीज़ है यार, ये गुड गुड. अच्छा, ये हर दिन ही देते हैं पापड़, पिकल, सुगर, सॉल्ट, सौंफ. अगर हम इनके डिनर की बात करें तो आपको स्वीट में मिलता है दलिया खीर, चपाती, लोबिया मसाला, हरियाली गोभी मटर, दाल खिचड़ी, प्लेन राइस, लसोनी दाल फ्राई, लाइव, लाइव का क्या मतलब है, सामने बनाते, पेपर रसम, पापड़ रसम, कर्ड, टोस्ट सैलड, फ्राइम्स, पिकल, सुगर, साल्ट, सौंफ. ठीक है यार, तो साउथ इंडियन की कुछ डिशेज होंगी, उनका हो सकता है मैंने नाम खराब ले लिया हो या प्रॉपरली ना लिया हो, तो माफ़ कर देना, थोड़ी नॉलेज कम है मेरे को. ओके, तो मेस ठीक लग रहा है, वैरायटी ठीक है, बस एक स्नैक्स और होता तो मज़े और आ जाते, चाय बिस्किट हो जाता शाम का. अगर हम कॉलेज कैंटीन के बारे में बात करें तो यार यहाँ पे 2 कैंटीन है और जो कि काफ़ी बड़ी, काफ़ी ज़्यादा है, मतलब अगर हम इनके कैंपस की साइज़ देखें तो. अब मैं आपको यार कैंटीन का मेन्यू दिखा देते हैं, ठीक है. सो ये मेन्यू है, थोड़ी क्वालिटी ख़राब है, बेयर कर लो, पर दिख जाएगा. समोसा 12 रुपये का, ठीक है. मैगी आपकी 20 रुपये की है, वेज मैगी 25 रुपये की है, कॉर्न मैगी 30 रुपये की है, पनीर मैगी 35 रुपये की है, चीज़ मैगी 30 रुपये की है. ठीक है, मतलब नॉर्मल कैंटीन है, अफोर्डेबल है, कोई ज़्यादा एक्सपेंसिव वगैरह नहीं है. ओके ओके, बजट है, पेटीएम नंबर भी दे रखा है, बस लास्ट डिजिट नहीं है, तो आप गैस कर सकते हो किसी के पास खाली टाइम हो तो. डोसा वोसा मिलता है, ओके, डोसा मिलता है, वही 40 रुपीज़ का. ये तो ग्लोबल वैल्यू रखी है भाई, डोसा हर कॉलेज में 40 रुपये का ही मिलता है. और शेक्स वेक्स भी हैं यार किसी को, मतलब ठीक है सारी चीज़ें. अब हम कल्चरल फेस्ट पे आते हैं यार. कल्चरल फेस्ट की अगर हम बात करें, सबसे पहले स्पोर्ट्स फेस्ट जो है यार वो है इनका स्पंदन बोलते हैं ये इसको. इसका मतलब क्या है पता नहीं, पर ठीक होता है. अगर हम इनके कल्चरल फेस्ट की बात करें तो इन्फिनेट होता है, ठीक है. इन्फिनेट इसका नाम है, इन्फिनेट ही नहीं है, इन्फिनेट है. ये इतना बड़ा नहीं है यार, ठीक है. अगर मूड इंडिको 10 है तो इसको हम नंबर देंगे 1 out of 10 या 2 out of 10 या मैक्स टू मैक्स 3 out of 10, पर उससे ज़्यादा नहीं मिलने वाले क्योंकि यार ये कॉलेज बीटेक एनवायरनमेंट के लिए बना ही नहीं था. इस कॉलेज में अभी वो चीज़ें आ रही हैं. अगर आपने स्टूडेंट ऑफ द ईयर वगैरह मूवी देखी है और वैसा सा कुछ माइंडसेट लेके इस कॉलेज में आ रहे हो तो यार रोगे आके, ठीक है. वैसी कोई चीज़ें नहीं है यहाँ पे, ठीक है. सोसाइटीज़ वगैरह हैं आपकी, ड्रामा सोसाइटी, आपकी डांस सोसाइटी, आपकी डिबेटिंग सोसाइटी भी है. MUN की सोसाइटी बनी नहीं है यार, तो जो बच्चे MUN में इंटरेस्टेड होते हैं, होपफुली इस साल के बच्चे कह तो रहे हैं कि हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, पर देखो बनती है नहीं बनती है. इनके यार हैकथॉन तो होती हैं ऑब्वियसली, कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड तो सारी चीज़ें, रिसर्च स्टडीज सब होंगी, तो हैकाथॉन्स आपको बहुत सारे मिलेंगे. रिसर्च सबसे ज़्यादा बड़ी चीज़ है यार, रिसर्च इज़ मच ग्रेटर देन स्पोर्ट्स हेयर, ठीक है. वहाँ के बच्चे भी लिख रहे हैं इसे ब्रैकेट में इंपॉर्टेंस, तो समझ रहे हो ना यार. तो सिर्फ पढ़ना हो कंप्यूटर साइंस में ही भाई मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ. और कोर्स भी देखो यार, इंटीग्रेटेड MTech है, BTech प्लस MTech, तो रिसर्च तो इसमें होने वाली है. तो जो बच्चे सिर्फ कंप्यूटर, जिन्होंने माइंडसेट बना रखा है यार कि मुझे लाइफ में करनी सिर्फ कंप्यूटर साइंस ही है, वो इस कॉलेज में आंख बंद करके आ सकते हैं, ठीक है. सब प्लेसमेंट वगैरह सब कुछ अच्छी है, लैब्स वगैरह सब अच्छी हैं, फैकल्टीज़ बहुत अच्छी. और इनके अगर हम करिकुलम की बात करें यार तो वो बहुत अच्छा है. सारे IIITs का करिकुलम बहुत अच्छा होता है. अगर हम गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करें यार, शुरुआत के कुछ सेमेस्टर तो यार वो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स पढ़ा रहे होते हैं. जैसे मैं आपको अपने फर्स्ट सेमेस्टर की बात करता हूँ, मैंने फिजिक्स पढ़ी थी, केमिस्ट्री पढ़ी थी, मैथमेटिक्स पढ़ी थी, इंग्लिश भी थी हमारे, और एक बहुत घटिया सब्जेक्ट था यार इंजीनियरिंग ड्राइंग, ठीक है. मैकेनिकल के बच्चे हैं ना वो इसका दर्द समझ सकते हैं. मैं मैकेनिकल का नहीं हूँ, मैं IIT का हूँ, पर फिर भी मुझे ये सब्जेक्ट पढ़ना पड़ा था अपने फर्स्ट सेकेंड सेमेस्टर में. तो इस तरह की चीज़ें यार IIITs में नहीं होती. IIITs में आप जैसे ही जाते हो, इन्होंने बताया फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे से मेरी बात हुई वहाँ पे,
उनको सी पाइथन वगैरह पे काम कराना स्टार्ट कर दिया, उनको प्रोजेक्ट सबमिशन वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें करने पड़ते हैं। और मैंने फिर उनसे पूछा, यार आपका शेड्यूल कितना हेक्टिक होता है, क्या पूरे सेमेस्टर हेक्टिक होता है या फिर सेमेस्टर के एंड में ही जाके हेक्टिक होता है एग्ज़ाम टाइम में? तो बच्चों का रिप्लाई था यार कि एग्ज़ाम टाइम में तो हमारा थोड़ा चिल सीन होता है, कम हेक्टिक होता है, उससे पहले ज़्यादा हेक्टिक होता है, उनसे पहले उन्हें असाइनमेंट सबमिट करने होते हैं, प्रोजेक्ट सबमिट करने होते हैं। तो इसका मतलब ये है यार कि यहाँ पे तभी आना अगर आपने डिसाइड कर रखा है कि यार या तो मेरे को अच्छी प्लेसमेंट निकालनी है या फिर मैं कल को इसमें और रिसर्च में आगे जाना चाहता हूँ, पीएचडी वगैरह करना चाहता हूँ, तब ही आओ। अगर दिमाग में ऐसा कुछ है कि यार मैं चला जाता हूँ कॉलेज में पर मैं साथ साथ में किसी गवर्नमेंट के लिए जॉब के लिए प्रिपेयर कर लूँगा, यूपीएससी एसएससी सीजीएल वगैरह के लिए प्रिपेयर कर लूँगा या किसी और एग्ज़ाम के लिए कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर लूँगा, तो ऐसा नहीं कह रहा कि नहीं होगा पर बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा क्योंकि अभी मैं आपको इसकी कट ऑफ दिखा देता हूँ, जितनी कट ऑफ में आपका यहाँ एडमिशन होगा उतनी कट ऑफ में आपका काफ़ी सारी एनआईटीज़ में भी एडमिशन हो जाएगा और वहाँ का करिकुलम काफ़ी चिल होता है। तो अगर आपको किसी और एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना है तो वो कर सकते हो, क्योंकि काफ़ी बच्चे यार बीटेक इसलिए करते हैं क्योंकि एक अच्छा बैकअप ऑप्शन होता है, टू बी ऑनेस्ट। ठीक है कि यार और कुछ नहीं तो चलो अपनी प्लेसमेंट तो हमारे हाथ में होगी। अब हम यार थोड़ी और बात करते हैं इसके इंटीग्रेटेड एमटेक के कोर्स के बारे में। तो सबसे पहली बात यार यहाँ पे सिर्फ दो ही कोर्सेज हैं, ये मैं पहले भी बता चुका, कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स, सीएससी और ईसीई। ठीक है, और इनका करिकुलम यार बहुत अच्छा वेल डिज़ाइंड है, वेल डिज़ाइंड इन द सेंस कि शुरुआत के दो साल यार आप चाहे कंप्यूटर साइंस ब्रांच के हो या चाहे आप ईसीई ब्रांच के हो, दोनों बच्चों को सेम चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। क्या पढ़ाया जाता है उस सेम में? सी, पाइथन, जावा, डाटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिदम्स, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, ये सारी वो चीज़ें हैं यार जो कि प्लेसमेंट्स के लिए आपको अपनी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ती हैं। तो इससे फ़ायदा ये होता है यार कि जब कल को कोई सॉफ्टवेयर कंपनी आती है, ठीक है, जब कल को कोई टेक कंपनी आती है तो उसमें कंप्यूटर साइंस वाला बच्चा भी बैठ सकता है और ईसी वाला बच्चा भी बैठ सकता है। पर यहाँ पे एक छोटी सी नोट है यार जो मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे 100 सॉफ्टवेयर कंपनीज आ रही हैं फॉर एग्जाम्पल, तो उन 100 सॉफ्टवेयर कंपनीज में से 60 कंपनी ईसी वाले बच्चों को भी अलाउ करेंगी, मतलब 60% कंपनीज ईसी वाले बच्चों को भी अलाउ करेंगी कि चलो यार आप भी हमारे टेस्ट में बैठ सकते हो, सिर्फ कंप्यूटर साइंस वाले नहीं, आप भी बैठ सकते हो। बहुत कम कंपनीज होती हैं यार जैसे डायरेक्टाई वगैरह हो गई जो बोलेंगी नहीं भाई हमारे तो बस कंप्यूटर साइंस वाले बच्चे ही बैठ सकते हैं, या फिर ईसी में सिर्फ क्वालकॉम जैसी कंपनीज हो गई जो बोलेंगी कि नहीं यार हमें तो ईसी वाले बच्चे ही चाहिए, सीएससी वाले बच्चे नहीं बैठ सकते। पर मेजॉरिटी कंपनीज में आप दोनों ब्रांचेस के बच्चे बैठ सकते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट था तो इसलिए थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा। और साथ में यार यहाँ पे डेडिकेटेड क्लब्स भी हैं यार आपके आईसीपीसी और जीसॉक के लिए, ठीक है, और ये काफ़ी अच्छी चीज़ है यार, स्पेशली जीसॉक में अगर आपके क्लब्स होते हैं, आपके पास अगर सीनियर्स हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं, आपको मेंटर से मिलवा सकते हैं, तो वो काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है। तो वो तो है यार यहाँ पे एक कंप्यूटर साइंस के लिए, ईसी के लिए एक रिसर्च एनवायरनमेंट, वो सारी चीज़ें तो आपको मिलेंगी। अब हम स्कॉलरशिप्स वगैरह की बात करें यार, तो ये कुछ 4-5 टाइप की स्कॉलरशिप्स हैं, ये सारी इंटीग्रेटेड एमटेक के लिए नहीं है, ये लगभग कुछ इनमें मास्टर्स के लिए हैं, कुछ इसमें पीएचडी वगैरह के लिए, पर जो मेन स्कॉलरशिप है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, वो है ये वाली। ठीक है यार, ये वाली, इसका मैं डिटेल में समझाऊँ तो, अगर आपके यार 4 CGPA में से 3.6 CGPA आप स्कोर करते हो, ठीक है, तो इसको बोलते हैं डीन्स मेरिट लिस्ट, मतलब आप अपनी क्लास में अच्छे नंबर लाते हो, 3.6 CGPA से ऊपर लाते हो 4 में से, तो आपको यार 20,000 से 30,000 रुपये एनुअली मिलेंगे एज स्कॉलरशिप। साथ में यू हैव टू डू एन इंटर्नशिप आफ्टर द 3rd ईयर, ये सबको ही करनी पड़ती है यार, हर कॉलेज का सीन होता है। साथ में आपको एक थीसिस भी लिखनी पड़ती है अपने लास्ट सेमेस्टर में। एडमिशन मोड्स एंड एडमिशन फॉरम्स, आपको इस कॉलेज में एडमिशन लेना है यार तो आपके मिनिमम 60% होने चाहिए क्लास 12th बोर्ड्स में। ठीक है यार, एडमिशन आपका सिर्फ जेई मेंस के स्कोर के बेसिस पे होता है, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है यार, कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाती है, 4-5 मोड्स होते हैं एटलीस्ट मेरे लिए जब वीडियो में बनाता। थोड़ी अगर कट ऑफ्स की वगैरह बात करें यार, तो 2017 में जेई मेंस स्कोर था 200, ये आपकी कट ऑफ है कंप्यूटर साइंस के लिए। ठीक है यार, और ये तब था यार जब हमारी सिर्फ 45 सीट्स थी कंप्यूटर साइंस में। 2018 में यार कंप्यूटर साइंस की कट ऑफ थी 182 मार्क्स, ठीक है, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 8,500 रैंक्स, और ये तब है यार जब 90 सीट्स हैं। तो एक चीज़ देख रहे हो, नंबर ऑफ सीट्स डबल हो गई हैं 2018 में, 17 में 45 थी, 18 में 90 हो गई हैं, 17 में कट ऑफ थी 8,600 रैंक और 18 में कट ऑफ थी आपकी 8,500 रैंक, तो सीट्स बढ़ने के बाद भी कट ऑफ और ऊपर गई है, तो मतलब और ज़्यादा बच्चे आ रहे हैं, तो दिस इज़ अ गुड थिंग।
अरे यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है यार कि आपको जेई मेंस का फॉर्म तो भरना ही है, साथ में मई में इसका इस कॉलेज का भी फॉर्म निकलेगा तो वो भी भर देना। और ये सब कॉलेजेस में होता है यार, इनफैक्ट मोस्टली सारे कॉलेजेस में होता है। आपको जेई मेंस का फॉर्म भरना होता है, साथ में उस स्पेसिफिक कॉलेज का भी फॉर्म भरना होता है। तो ये चीज़ें काफ़ी बच्चे मिस कर देते हैं और वो पर्टिकुलर कॉलेज फिर मिस हो जाता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है, इसका मई में फॉर्म आएगा। ओके, अगर हम फ़ी स्ट्रक्चर के बारे में बात करें यार, तो फ़ी स्ट्रक्चर थोड़ी सी आपको चुभ सकती है, ठीक है। इसका अगर हम 5 साल का देखें तो आपका लगभग 19 से 20 लाख का खर्चा आएगा। यहाँ पे आपको शो भी हो रखा है, फर्स्ट और सेकंड ईयर में आपका 1,34,000 रुपये का खर्चा है पर सेमेस्टर। साल में आपके 2 सेमेस्टर होते हैं तो इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर लो, आपका 1 साल का खर्चा। ईयर 3 और 4 में आपका 1,60,000 का है, ईयर 5 में आपका 1,92,000 का है। ये 2018 वाले बच्चों के लिए, हो सकता है अगले साल जो बच्चे हैं उनके 10-10, 15-15 हज़ार हर सेमेस्टर में और बढ़ जाए, ठीक है ये। और अगर हम हॉस्टल फीस की बात करें यार, तो 33,000 है आपके हॉस्टल की फीस, 24,000 आपकी मेस की फीस है। इसी के साथ यार, इस कॉलेज की लगभग हमने सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। अब अगर हम इसका ओवरव्यू देखें, किस बच्चे को यहाँ आना चाहिए, किस बच्चे को यहाँ नहीं आना चाहिए, तो अगर आप वो बच्चे हो यार जिसका वेल डिसाइडेड है कि यार मेरे को तो कंप्यूटर साइंस में ही रिसर्च करनी है, मेरा तो सब कुछ कंप्यूटर साइंस ही है, तब तो आप इस कॉलेज में आ जाओ, ठीक है यार। पर अगर आप श्योर नहीं हो कि आपको लाइफ में क्या करना है, आपने अपने अभी पैशन को मिला नहीं है वो आपको, या फिर आप श्योर नहीं हो कि भाई मुझे प्राइवेट सेक्टर में ही जाना है, तो यार 2 बार सोचो इस कॉलेज में आने से पहले, 1 बार नहीं 2 बार। और इसके मल्टीपल रीजंस हैं यार, ठीक है, ऐसा नहीं कि ये कॉलेज ख़राब है, पर आपके लिए हो सकता है ये कॉलेज से अच्छा आपके पास कुछ और ऑप्शंस हो। क्यों? क्योंकि यार पहला तो अगर आपने अभी तक डिसाइड नहीं किया आपको लाइफ में क्या करना है, प्राइवेट या गवर्नमेंट सेक्टर, तो आपको एक हेक्टिक शेड्यूल नहीं चाहिए अपने लाइफ में, ठीक है। सरकारी कॉलेज जैसे बाकी NITs, NSIT, DTU वगैरह की बात करें, यहाँ पे जो करिकुलम है इतना हार्ड नहीं होता, आप अपनी कॉलेज की पढ़ाई के साथ बाकी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, बहुत खाली टाइम होता है। टू बी ऑनेस्ट, अगर आप साल में सिर्फ 2-3 महीने भी अच्छे से पढ़ते हो ना, तो आप अपने कॉलेज के एग्जाम्स में अच्छा परफॉर्म कर दोगे, और बचे हुए 9 महीनों में आपको जो करना है करो, आप चाहे अपने प्लेसमेंट्स के लिए प्रिपेयर करो या फिर आप चाहे किसी और गवर्नमेंट एग्जाम के लिए प्रिपेयर करो, पर यहाँ NITs में वैसा नहीं हो पाएगा। साथ में यार जो इसकी कट ऑफ है ये जाती है 182-185 इसके अराउंड, जेई मेंस के मार्क्स, इतने मार्क्स में यार आपको NITs भी काफ़ी सारी अच्छी मिल सकती हैं, ठीक है यार। और वहाँ पे करिकुलम हार्ड नहीं होता, साथ में आपको एक्सपोजर अच्छा मिलता है यार NITs वगैरह में, NITs, DTU, NSIT, इनमें आपको एक्सपोजर बहुत ज़्यादा मिलेगा। बड़े बड़े कैंपसेज होंगे इनके, अलग अलग सोसाइटीज़ होंगी, ठीक है यार, बड़े बड़े कल्चरल फेस्ट होंगे, ऐसे कल्चरल फेस्ट होंगे यार जहाँ पे बाकी सारे कॉलेजेस से हज़ारों बच्चे आ रहे होंगे, सेलिब्रिटीज़ आ रहे होंगे परफॉर्म करने। तो अगर आपको कुछ वैसा सा जाना है तो NITs, NSIT, DTU इनको आप ज़्यादा रखो यार, ठीक है, तब ये कॉलेज आपके लिए नहीं है। पर अगर आपने सोच रखा है यार कि मेरे को तो का जो करना है कंप्यूटर साइंस में ही करना है, मेरा करियर ही कंप्यूटर साइंस है, तो डेफिनेटली आप इस कॉलेज में आओ। आपको NITT हैदराबाद में मिलता है तो NITT हैदराबाद जाओ, NITT हैदराबाद में नहीं मिलता तो आप इसको देख सकते हो। अगर आपकी लोकेशन इधर है यार दिल्ली की तरफ, तो आप NITT दिल्ली को भी कंसिडर कर सकते हो, वो भी बहुत अच्छा कॉलेज है यार। उस कॉलेज में मैं पर्सनली गया हूँ, बहुत शानदार कॉलेज है और बहुत स्पीड से ग्रो कर रहा है, ठीक है यार। तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं यार जब आप एक कॉलेज डिसाइड करते हो, ऐसा नहीं है यार कि ये कॉलेज इस कॉलेज से अच्छा है, इसमें ज़्यादा पैसा मिलता है, इसमें कम पैसा, नहीं। आप एक बार जब Tier 1 कॉलेजेस में आ जाते हो ना यार, तो आपकी ये जो NITs हैं, NITs हैं, NSIT, DTU, इनकी अगर हम प्लेसमेंट वाइज बात करें तो ये 19-20 ही हैं, मतलब ज़्यादा फ़र्क नहीं है। अगर आप इस कॉलेज में घुस गए, आपके पास, आपको अपने सब्जेक्ट की नॉलेज अच्छी है, आपको अपने कोर सब्जेक्ट्स की नॉलेज अच्छी है, तो आपकी प्लेसमेंट नो मैटर आप इनमें से किस कॉलेज में हो, आप उतने की प्लेसमेंट उखाड़ दोगे, ठीक है, वो आप फोड़ दोगे। अब मैटर ये करता है कि आपको एनवायरनमेंट कैसा चाहिए, आपके गोल्स क्या हैं, कौन सा कॉलेज उन गोल्स को फिल कर रहा है। अगर किसी कॉलेज की एवरेज प्लेसमेंट यार 19 लाख है, एक कॉलेज की एवरेज प्लेसमेंट 17 लाख है, इसका मतलब ये नहीं यार कि 17 लाख वाला कमज़ोर कॉलेज हो गया, समझ रहे हो। हो सकता है 17 लाख वाला बाकी ऐसी चीज़ें प्रोवाइड कर रहा हो जो आपको यहाँ पे मिलेंगी नहीं। और ये चीज़ें क्या क्या हो सकती हैं, हो सकता है 17 लाख वाला आपके घर के बहुत पास हो, आपको हॉस्टल ना लेना पड़े या फिर आप बार बार अपने घर में विजिट कर सकते हो। हो सकता है 17 लाख वाला दिल्ली में हो या फिर और किसी मेजर सिटी में हो,
समझ रहे हो, या फिर यहाँ पे कैंपस साइज बहुत बड़ी हो, कैंपस लाइफ बहुत अच्छी हो, करिकुलम बहुत कम हेक्टिक हो, आपको ज़्यादा लोड ना लेना पड़े, आप किसी और चीज़ के लिए प्रिपेयर कर सको, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको कंसिडर करनी है। हो सकता है 17 लाख वाले की फीस बहुत कम हो, फीस बहुत बड़ा मैटर होता है यार, स्पेशली बीटेक में, क्योंकि कुछ कॉलेजेस हैं जो आपकी 7 से 8 लाख में करा देते हैं, कुछ कॉलेजेस हैं जो आपके 25 लाख तक लेके जाते हैं। तो यार इंडिया में है ना मिडिल क्लास हैं लगभग सब, आई गेस हम सेकेंड लार्जेस्ट मिडिल क्लास कंट्री हैं, तो मैटर करता है पैसा। तो होपफुली यार आपको एक अच्छा ओवरव्यू मिल गया होगा। तो इसी के साथ यार आज का वीडियो खत्म करते हैं, तब तक के लिए चलते हैं, सी हैव अ गुड डे। लाइक बटन दबा देना यार अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, इस साल का होपफुली थर्ड लास्ट वीडियो है ये, और शेयर भी कर दो अगर आपको किसी दोस्त को इस कॉलेज में एडमिशन लेना है। तो तब तक के लिए चलते हैं, सी या हैव अ गुड डे एंड बाय।